हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीडीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, अब बेसिक्स ऑफ सिविक्स में हम पार्ट फाइव डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। पार्ट फाइव को फोर तक मैंने लास्ट पार्ट में कवर करवा दिया। जिन्होंने उस वीडियो को ना देखा हो, प्लीज पहले उस वीडियो को देख लें। अब पार्ट फाइव में क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, यानी केंद्र सरकार के बारे में, जिसमें क्या क्या देखने को मिलेगा हमें, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यूनियन लेजिस्लेचर में क्या होता है, इसे पार्लियामेंट यानी संसद, जो कि आर्टिकल किसमें होता है, आर्टिकल क्या है पार्लियामेंट का, 79। पार्लियामेंट में क्या क्या आता है हमारे पार्ट, प्रेसिडेंट के बारे में, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। लोकसभा का आर्टिकल किसमें आता है हमारा, 81 में, राज्यसभा का 80 में। यूनियन एग्जीक्यूटिव जो क्या करता है, अप्लाई रूल्स को अप्लाई करवाता है, इसमें क्या क्या आते हैं हमारा, पीएम आता है और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद आते हैं। थर्ड मैंने बताया जुडिशरी, जुडिशरी यानी न्यायपालिका, जिसमें क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा हमारा यूनियन गवर्नमेंट के अंदर। लोकसभा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यही अवेयर कर देता हूँ, लोकसभा को क्या बोला जाता है, लोअर हाउस बोला जाता है इसे, फर्स्ट हाउस भी बोला जाता है और नॉन परमानेंट हाउस भी बोला जाता है। राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है और सेकेंड हाउस भी बोला जाता है। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉलिटिकली पार्टीज, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं सारे, और दूसरे कौन होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर, जैसे आईपीएस, आईएएस एंड सो ऑन। तो ये यूनियन गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। उसका सेकंड क्या है दोस्तों हमारा, स्टेट गवर्नमेंट, सेम इसमें कौन कौन होते हैं हमारे मेन ऑर्गन जो है, स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सेम यहाँ पे विधानमंडल, इसके अंदर क्या क्या आएगा, गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट असेंबली यानी विधानमंडल आर्टिकल 170, स्टेट काउंसिल्स यानी विधान परिषद आर्टिकल नंबर 169। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा, सेम सीएम और इसके मिनिस्टर्स आएंगे, ये भी दो तरीके के होते हैं, एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स। जुडिशरी में पता ही है कौन कौन आएगा, जुडिशरी स्टेट्स में हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। एक इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्टेट्स लेजिस्लेटिव मेक और रिमूव स्टेट काउंसिल, यानी जो विधान परिषद होता है वो कौन बना सकता है, जो हमारे विधानमंडल होते हैं वही बनाते हैं और वही उसे रिमूव भी कर सकते हैं। और हमारे हमें पता है स्टेट्स ऑफ काउंसिल केवल क्या हो, सॉरी स्टेट काउंसिल फॉर ओनली फॉर एडवाइस, ये केवल किसके लिए होता है, स्टेट काउंसिल किसके लिए बनता है, केवल एडवाइस देने का काम करते हैं, इसके अलावा इनका कोई रोल नहीं होता। और ये केवल 7 स्टेट्स में ही हमारे, जिसको टीबी जुकाम के नाम से भी हम डिस्कस कर सकते हैं, टी से तेलंगाना, बी से बिहार, जे से जम्मू कश्मीर, यू से यूपी, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र। अब जम्मू कश्मीर इसमें नहीं है, तो अब कितने स्टेट्स में होंगे स्टेट काउंसिल, सॉरी हाँ स्टेट काउंसिल 6 स्टेट्स में, तो आप इससे याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से, टीबी जुकाम, जिसमें जे क्या हो गया, रिमूव हो चुका, यानी जम्मू कश्मीर अब उससे हट चुका है। थर्ड पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे हम, लोकल गवर्नमेंट के बारे में यानी स्थानीय सरकार के बारे में, जिसमें कौन आता है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया। रूरल में क्या काम कौन वर्क करता है, पंचायती राज, और अर्बन में कौन काम करता है, एमसीडीज के लोग यानी नगर निगमों के लोग। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई वी नीड लोकल गवर्नमेंट, हमें लोकल गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, तो क्यों पड़ती है दोस्तों, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर का सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो ये हम तीन पार्ट्स को ओवर करेंगे, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। सो नाउ स्टार्ट लेस यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी केंद्र सरकार के बारे में पहले डिस्कस करें, जिसका पार्ट कौन कौन था, प्रेसिडेंट हमारा, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा। तो ये पहले हम इनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे फर्दर स्टेट गवर्नमेंट की ओर मूव करेंगे। पहला क्या है दोस्तों, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, इसकी क्वालिफिकेशन कितनी होती है, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने की, पहला तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए, शैल नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कोई लाभ का पद धारण ना करता हो, यानी गवर्नमेंट जॉब्स में इन्वॉल्व ना हो, इसका टेन्योर कितना होता है यानी कब तक काम करता है, 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बनती है। आर्टिकल 53 क्या कहता है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द इंडियन यूनियन इज विद द प्रेसिडेंट, एंड एग्जीक्यूटिव के पावर किसके अंदर में होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है सारी पावर। आर्टिकल 54 क्या कहता है, इलेक्टेड बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर, आर्टिकल 54 क्या कहता है, ये इलेक्ट किए जाएंगे इसके द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर के द्वारा, प्रेसिडेंट को कौन चुनता है, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर मिलकर चुनते हैं। नाउ प्रेसिडेंट सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन
टू द वाइस प्रेसिडेंट, यानी जो अगर प्रेसिडेंट को अब क्या रिजाइन करना हो तो किसको देगा अपना रिजाइन लेटर, वाइस प्रेसिडेंट को, यानी उपराष्ट्रपति को। आर्टिकल 61 क्या कहता है, इम्पीचमेंट और रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट्स मेंशन। आर्टिकल 61 क्या करता है कि अगर प्रेसिडेंट को हटाना हो, रिमूव करना हो, तो उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए, ओनली द पार्लियामेंट कैन रिमूव द प्रेजेंट, बट इट इज मैंडेटरी टू गिव इंफॉर्मेशन 14 डेज बिफोर द इम्पीचमेंट, एंड इन द मीन टाइम कैन प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट। आर्टिकल 61 क्या कहता है कि अगर आपको प्रेसिडेंट को हटाना है उसके पद से, तो पहले उसे क्या करोगे, आप 14 डेज का नोटिस दोगे, और इस दौरान वो अपने आप को क्या कर सकता है, इनोसेंट साबित कर सकता है, यानी प्रूव कर सकता है। अब बात आती है हमारे यहाँ, मैंने वो प्रेसिडेंसी कंडीशन देख ली, अब उसके पावर्स की बात करेंगे कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होती है। फर्स्ट पावर क्या है, द थ्री सोल्जर्स आर बिलीव टू बी द चीफ टू बी द चीफ प्रेसिडेंट ऑफ द फोर्स, यानी तीनों सैनिक बलों का मुख्य कौन होता है, हेड कौन होता है, हमारा प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द प्रेसिडेंट हैज द वीटो पावर अंडर विच ही कैन सेंड एनी बिल बैक एंड होल्ड इट फॉर द सम टाइम विदाउट सिग्नेचर साइनिंग इट, यानी प्रेसिडेंट के पास एक वीटो पावर होती है जिसके अकॉर्डिंग क्या, अगर कोई बिल उसके पास आता है तो बिना साइन किए उसे क्या करता है, वो होल्ड कर सकता है, कुछ टाइम के लिए अपने पास वो रख सकता है। बट कंडीशन यहाँ पे ये है, बट वंस इट इज सेंड, इफ द सेंड बिल कम बैक, इट इज इनविटेबल दैट दे विल हैव टू साइन इट ऑन द बिल। अगर मान लो दोबारा वो वापस भेज देता है बिल को और दोबारा वो प्रेसिडेंट के साथ आता है, तो उसे क्या होगा, कंपल्सरी उसे बिल पे साइन करने पड़ेंगे। द प्रेजिडेंट कैन रिमूव द पेनल्टी और पार्डन टू द एनी पर्सन, प्रेजिडेंट बस एक पावर होती है कि वो किसी को क्या करे, किसी की सजा को माफ करे या पेनल्टीज को रिड्यूस करे। ना फर्दर, द प्रेजिडेंट मे अप्लाई थ्री टाइप्स ऑफ एमरजेंसी ड्यूरिंग द एमरजेंसी टाइम, आपातकालीन के टाइम पीरियड में क्या है, प्रेजिडेंट के पास पावर होती है कोई तीन तरीके का एमरजेंसी यानी आपातकालीन लागू कर सकता है। पहला कौन सा है, नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपात, जो कि कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, 352। स्टेट इमरजेंसी यानी राज्यपात, जो किसके अंदर आता है, आर्टिकल 356। और फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात, जो कौन से आर्टिकल के तहत आता है, 360। तो ये तीन तरह की इमरजेंसी कौन करता है, प्रेसिडेंट अप्लाई कर सकता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम। ये तीनों इमरजेंसी को हम फर्दर नेक्स्ट एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हम लोकसभा के बारे में डिस्कस करते हैं। लोकसभा का आर्टिकल कौन सा हमारा, 81। आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। लोकसभा क्या बोला जाता है, फर्स्ट हाउस भी बोला जाता है, लोअर हाउस भी बोला जाता है। इसकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए इसके मेंबर बनने के लिए, 25 ईयर। ये नॉट परमानेंट, परमानेंट नहीं होते हैं लोकसभा की, यानी लोकसभा भंग हो सकती है। ड्यूरिंग एमरजेंसी 1 ईयर टेन्यूर कैन बी इंक्रीज, यानी अगर मान लो एमरजेंसी का टाइम पीरियड हो तो लोकसभा का 1 साल का समयकाल बढ़ाया जा सकता है। बट आफ्टर इमरजेंसी विद इन द 6 मंथ इलेक्शन कंपलसरी, बट जैसे ही इमरजेंसी खत्म हो तो उसके 6 महीने के अंतर्गत क्या होता है, दोबारा इलेक्शन करवाना कंपलसरी होता है। मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं लोकसभा में, मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, 552, जिसमें से 2 क्या होता है, नॉमिनेटेड होता है, और 550 क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। उसमें से 530 स्टेट से चुने जाते हैं और 20 कहां से, यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं। अब करंट में कितनी सीट से हैं हमारी लोकसभा की, 545 यानी 545, जिसमें से 2 क्या नॉमिनेटेड होते हैं, और 543 में से 550 स्टेट से आते हैं और 3 कहां चुने गए हैं, यूटी से यानी यूनियन टेरिटरी से। ये नॉमिनेटेड कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, और इसमें क्या बोला था, ये एंग्लो इंडियंस होते हैं। अब इसकी एक ट्रिक बता सकता हूँ कि जो क्वालिफिकेशन होती है या कह सकते हो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर बनने की एज कितनी होती है, तो उसकी ट्रिक क्या है, 25 में बनो पीएम, 30 राज्यसभा में जाओ, और 35 में बनो प्रेसिडेंट, और 5 लाख की सैलरी कमाओ। यानी पीएम बनने के लिए कितनी एज चाहिए तुम्हें, 25 साल, राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए कितना चाहिए तुम्हें, 30 साल, और प्रेसिडेंट बनने के लिए कितना एज होना चाहिए तुम्हारा, 35 साल, और प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है, 5 लाख होती है। तो ये छोटी सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप इजिली समझ सकते हो। तो
यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर लाइक पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हो वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।